बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक की तीसरी क्लास है हमारी एनिमल डाइवर्सिटी 1 की, और जिसमें हम फाइलोजनी और सिस्टमैटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। कल मैंने आपको फाइलोजेनेटिक ट्री और उसके बारे में जो फर्दर रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो आपसे शेयर की, और आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री किस तरह से हमें एनिमल्स के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करता है, और ये कैसे बताता है कि कौन सा एनिमल किस एनिमल के साथ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ज़्यादा करीब था और कौन उससे दूर है, और इन दोनों के एंसेस्टर कहाँ कहाँ से डाइवर्ज हुए, और एक ट्री के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कल आपको बता रहा था कि जो ट्री होता है बुनियादी तौर पे ये एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स को सामने रख के बनाया जाता है। जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने कहा कि जब एक सिस्टमैटिस्ट बैठता है तो वो तीन तरह के कैरेक्टर सामने रखता है, एनिमल्स का फॉसिल रिकॉर्ड, उनका जेनेटिक कैरेक्टर्स का डाटा, और तीसरा उनके डीएनए की सीक्वेंस का डाटा। इनको वो इस्तेमाल करते हुए उससे ट्री बनाता है, और वो ट्री जो है जितनी सिमिलैरिटी होगी उस ट्री की ब्रांचिंग के अंदर उनकी कुर्बत या क्लोजनेस आपको नजर आएगी। जैसा कि आप पिछला ट्री अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कल मैं आपसे मिसाल दे रहा था कि ऑर्डर कॉर्निवोरा है, यानी मैमल्स के वो ऑर्डर जिसमें तमाम के तमाम वो मैमल हैं जो गोश्त खोर हैं, कार्निवोर हैं, लेकिन उसमें पैंथरा पार्डस भी है, यानी लेपर्ड है, बैजर है, ऑटर है, क्योट है, ग्रे वोल्फ है, लेकिन अगर आप इनको कैरेक्टर के बेस पर एक उसके ऊपर इंटरपोलेट करते हैं ट्री के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि इनमें क्योट और ग्रे वोल्फ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे गॉट डिवर्ज्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर हु इज वेरी रीसेंट। लेकिन इसके मुकाबले में जो पैंथरा पार्डस है, लियोपर्ड है, that looks very distant from them, यानी वो इनसे काफ़ी दूर है during course of evolution। तो ये phylogenetic tree है जिसने आपको ये बताया है, और नतीजतन इसको जो है वो इसकी बेस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो evolution से मुतल्लिक आप बता सकते हैं और समझ सकते हैं tree की बेस पर। अब tree के बारे में कुछ बातें कि branch point क्या है, sister taxa कैसे होते हैं, रूटेड ट्री कैसा होता है, पिछली बातें हो चुकी, तो प्लीज कम टू द रूटेड ट्री। और रूटेड ट्री के अंदर मैं आपसे ये बात करूंगा कि इट इज ए ट्री दैट इंक्लूड्स ए ब्रांच टू रिप्रेजेंट द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल टैक्सा इन दैट ट्री। जैसे आपने पिछला ट्री देखा है, मैं इसको रूटेड ट्री कहूंगा, यानी सबसे पहले इस ऑर्डर के अंदर जहां कार्निवोरा लिखा है, यहाँ पे कोई एक एनिमल ऐसा होगा जो कार्निवोर था, और वो एनिमल हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम उसको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन या प्री हिस्ट्री के अंदर या पीछे हिस्ट्री में हम उसको कैसे देखते हैं। अगर तो वो लाइव है, यानी अभी जिंदा है, तो भी उसकी पहचान हो जाए, और अगर वो जिंदा नहीं है और उसका कोई फॉसिल डेटा है तो हमें पता चल जाए कि वो एनिमल किस तरह का था, और उसका हम कोई स्ट्रक्चर बना के बता सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जानते हैं कि डायनासोर के बारे में आपने बहुत सुना और बहुत देखा हुआ है, हालांकि डायनासोर आपने नहीं देखे हुए, और उनके जो स्केच हैं, जो उनके इमेजेस हैं, जो उनकी एनिमेशंस हैं, वो आपने बहुत देखी हैं, तो वो किस बेस पे बनाई गई हैं बुनियादी तौर पर, और उनके जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसको सामने रख के उनकी तस्वीरें बनाई गई, उनके इमेजेस बनाए गए और उनकी एनिमेशंस बनाई गई, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड के डायनासोर अगर हर्बीवोर थे तो उनको ऐसा होना चाहिए, अगर वो ग्रेजिंग करते थे तो उनको ऐसा होना चाहिए, अगर वो उड़ने वाले थे तो फिर उनको ऐसा होना चाहिए, अगर वो कार्निवोर थे, खूनखार थे, गोश्त खाने वाले थे, तो उनको ऐसा होना चाहिए। तो उस इमेजिनेशन के बेस पे आपने उस एनिमल का स्केच ड्रा किया। तो अगर वो कार्निवोर यहाँ पे आया जिसको हमने मुशख्खस कर लिया और हमें पता चल गया कि वो एंसेस्टर है, तो हम इस पूरे ट्री को कहेंगे कि दिस इज ए रूटेड ट्री,
यानी उसकी एक रूट है जिसका हमें पता है कि ये जितने एनिमल जो इस आपको ट्री में नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पांच हैं, तो ये पांचों के पांचों जो हैं वो डिसेंड करके आ रहे हैं उस एंसेस्टर से जो वेल नोन है और हम उसको जानते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एक ऐसा ट्री जिसके जिसके एंसेस्टर का पता ना हो, हम उसको रूटेड नहीं बल्कि अनरूटेड इंसेस्टर कहेंगे। और अनरूटेड इंसेस्टर का मतलब है कि हमें ये तो पता है कि जो डिसेंड करने वाले हैं, जो डिसेंड करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन किस से डिसेंड होके आए हैं हमें उस एंसेस्टर के बारे में पता नहीं होता। और ये एक पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है, ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये हमें उस ट्री के बारे में, बेसल टैक्सॉन, बेसल टैक्सॉन डाइवर्ज अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप एंड ओरिजिनेट्स नियर द कॉमन एंसेस्टर ऑफ द ग्रुप। तो जाहिर है बेसल टैक्सॉन हम उस पुराने आबाओ अजदाद को कहते हैं जो किसी ट्री के अंदर बहुत अर्ली स्टेज में होते हैं। जैसे मैं आपको ये ट्री शो कर रहा हूँ जहाँ पे कार्निवोर लिखा है, अगर यहाँ पे किसी एंसेस्टर का नाम लिख दिया जाए तो हम इस ट्री को एक कहेंगे दिस इज रूटेड ट्री, और इस एनिमल को हम कहेंगे दिस इज बेसल टैक्सॉन जो बहुत अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रुप, इसी ग्रुप को जो कार्निवोरा है इसकी हम अगर बात करें, तो अगर वहाँ कोई एनिमल ऐसा हो जिसका पहले से पता चल जाए कि ये वो वाला था, तो वो बेसल टैक्सॉन कहलाएगा जिससे इस ट्री के अंदर मौजूद तमाम एनिमल उससे डिसेंड करके आए हैं, ओरिजिनेट करके आए हैं। एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी विद रिगार्ड टू ट्री इज पॉलीटॉमी। ये एक ऐसी ब्रांच है जहाँ मोर देन टू ग्रुप्स इमर्ज, जहाँ से पॉलीटॉमी उस ब्रांच का नाम है। मसलन यहाँ पे मेरा कर्सर है, आप यहाँ अगर मुलाहजा करें तो यहाँ से खाली एक ग्रुप नहीं है, एक तो पैंथरा पार्डस वाला निकला, फिर उसमें से एक और ग्रुप निकला, और वो फर्दर उसमें से मस्टिलेट्स निकले, टैक्सिडी निकला, लूटरा निकला, और इसी में से आप देख रहे हैं कैंडिड निकले, कैनस निकले, और फिर आगे कैनस ल्यूपस और कैनस लेट्रंस इसमें से निकले। तो हम इसको पॉलीटॉमी कहेंगे कि यानी ऐसी ब्रांच है जिसमें से कई आगे डाइवर्ज होके आ रहे हैं, ये ब्रांच पॉइंट कहा जाएगा। और ये रिप्रेजेंट द कॉमन एंसेस्टर ऑफ टैक्सा ए टू जी, ए से लेकर जी तक जितने स्पीशीज हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इस कॉमन एंसेस्टर से जो यहाँ पे लिखा जाएगा। और दिस ब्रांच पॉइंट फॉर्म द पॉलीटॉमी, ये वाली है जहाँ से हम देख रहे हैं कि एक दो और तीन ब्रांचेस निकल रही हैं, ये पॉलीटॉमी कहलाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप इस ट्री की मदद से समझते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री हर मसले का हल नहीं है कि जो पास्ट के अंदर रहने वाली लाइफ और जो मौजूदा ज़माने की लाइफ है या एनिमल्स हैं उनके दरमियान एक लिंक के तौर पर तो ये काम करती है, फाइलोजेनेटिक ट्री हमें बता देती है, बट देयर आर समथिंग विच कुड नॉट बी लर्न फ्रॉम फाइलोजेनेटिक ट्रीज, वो क्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें हम बता सकते हैं। एक तो फाइलोजेनेटिक ट्री शो पैटर्न्स ऑफ डिसेंट, यानी कौन सा एनिमल किस से डाइवर्ज होके आया है ये तो हमें बता देगी, बट डज नॉट शो फीनोटिपिक सिमिलैरिटी। फीनोटिपिक सिमिलैरिटी होती है कि जैसे दो भाई हों तो उनके दरमियान वो देखने में बहुत करीब होते हैं दूसरों के मुकाबले में, तो हम कहेंगे दे आर फीनोटिपिकली सिमिलर टू ईच अदर एज कम्पेयर टू अदर्स। दो दरख्त हैं और वो एक ही अगर स्पीशीज के हैं तो वो फिनोटिपिकली सिमिलर होंगे, लेकिन एक एनिमल और दो दरख्त होंगे तो हम कहेंगे दो दरख्त फिनोटिपिकली सिमिलर हैं, गर्चे वो एक नीम का है और एक शीशम का है, और वो एनिमल से बहुत मुख्तलिफ होंगे। दो एनिमल जैसे एक डॉग है और एक लॉयन है, दे वुड बी फिनोटिपिकली सिमिलर एज कम्पेयर टू ए प्लांट। तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है मेरे बच्चे, वो फिनोटिपिक सिमिलैरिटी नहीं बताता, वो सिर्फ लीनिएज बताता है कि कौन किस से डिसेंड होके आया है। अच्छा, फाइलोजेनेटिक ट्री डज नॉट इंडिकेट व्हेन स्पीशीज इवॉल्वड एंड हाउ मेनी चेंज अकर्ड इन ए लीनिएज, के एक तो ये कि स्पीशीज कब इवॉल्व हुई, ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं, ये किस से क्या इवाल्व हुआ है वो तो पता चल जाता है। इवाल्व होने का भी मतलब मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं, ये पूरा कोर्स है एवोल्यूशन का,
जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो मैं आप सो ये कहता हूं कि कोई भी स्पीशीज कि जिसमें एनवायरमेंटल तब्दीलियों के नतीजे में उसकी फार्म में और उसके फंक्शन में इस कदर तब्दीलियां आ जाएं कि वो ना रहे जो पहले था और वो एक और स्पीशीज बन जाए, और मेयार ये है कि वो जो और स्पीशीज बनी है वो अपनी पेरेंटल स्पीशीज के साथ ब्रीड ना कर सके, यानी उसकी इंटरब्रीडिंग ना हो सके, तो फिर हम ये कहेंगे कि एक न्यू स्पीशीज बन गई है जो पुरानी स्पीशीज इवाल्व होके आई है। इस ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज के नतीजे में जो बनी है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। और तीसरी बात जो फाइलोजेनेटिक ट्री हमें नहीं बताता है, इट शुड नॉट बी अज्यूम्ड दैट ए टैक्सॉन इवॉल्व फ्रॉम ए टैक्सॉन नेक्स्ट टू इट। और बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको जो टैक्सॉन नजर आ रहे होते हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि ये जो कैनस ल्यूपस है और उससे पीछे कैनिस है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कैनिस की कोई भी स्पीशीज होगी कि ये कैनिस ल्यूपस 100% इसी कैनिस से जो है वो इवाल्व होके आई है। हो सकता है कि कैनिस लेटरन तो इसे आई हो, लेकिन इसका जो पैसेज है अगर कोई और स्पीशीज यहाँ पे दी जाती तो कैनिस ल्यूपस उससे आती और हमें इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है जो फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बताई जा रही है। हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं? फाइलोजेनेटिक ट्रीज को, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लोजली रिलेटेड टैक्सा। हाँ, ये पता चल जाता है कि जब ब्रांच के ऊपर दो ग्रुप्स आ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि तीन बंदे हैं, एक बलूचिस्तान से है और दो पंजाब से हैं, तो जो दो पंजाब से होंगे वो एक ही ब्रांच के आगे होंगे और जो बलूचिस्तान वाला है उसकी ब्रांच अलग होगी, और ये जो दो एक ही ब्रांच के ऊपर नज़र आ रहे हैं वो इसलिए हैं कि ये सिमिलर इनके करेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर उनका ओरिजिन पंजाब से है, उनका डिस्ट्रिक्ट एक है, तो इस तरह से ये सिमिलरिटीज़ को बताती है। इफ फाइलोजनी वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑफ वेल फ्रॉम विच वेल मीट ओरिजिनेटेड। तो ये मसलन जो सिमिलैरिटीज होती हैं फाइलोजनी से हम ये चीज़ बता सकते हैं। मसलन वेल के बारे में यहाँ एक मिसाल दी गई है कि वेल मछली पूरी दुनिया में मछली नहीं है बल्कि मैमल है, तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पर इसको देखा जाता है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर कानून साजी की गई है कि इसके मीट को आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि किसी होटल रेस्टोरेंट के अंदर वेल का मीट अगर सर्व किया जा रहा है और उसके ऊपर सपोज FIR हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ DNA, तो उसका तरीका ये होता है कि वो जो मीट खिलाया जा रहा था ना उसमें से DNA आइसोलेट करके, तो दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की वेल्स मौजूद हैं उन तमाम का DNA लिया जाए और उस DNA को इस DNA से जो प्लेट के अंदर मौजूद थे मीट उसके साथ मैच किया जाए, तो जो जिससे मैच करेगा हमें पता चल जाएगा कि ये मीट फुलां वेल का है, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि फर्ज करें ये मीट सर्व किया जा रहा था कराची के अंदर, तो एक वेल है जो इंडस रिवर के अंदर जो आप इस इंडियन ओशन के अंदर होगी, लेकिन जो मीट है इस वेल का वो तो होती है चाइनीज ओशन के अंदर, तो उससे हम नतीजे ये निकालेंगे कि ये मीट कराची वाली वेल का नहीं है बल्कि ये मीट चाइना से आया है और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन चाइना से होनी चाहिए कि मीट चाइना से पाकिस्तान या कराची में कैसे पहुंचा है। तो ये फाइलोजनीज हमें इस तरह से भी हेल्प आउट करते हैं। ये वही चीज़ समझाई गई है जो आपके सामने यहाँ पर रखी गई है। फाइलोजनीज आर इन्फर्ड फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर डेटा। ये बात पहले भी मैं कर चुका हूँ कि कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री आप कैसे डिवेल्प करते हैं, उसका एक तरीका ये होता है कि आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सामने रखें। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप अगर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाहते हैं, कैरेक्टर है इंसानों के जैसे, मसलन कि उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, और इसी तरह बाकी एनिमल्स को ले लें,
अगर आप ये करेक्टर ले लें कि इनकी टांगें कितनी हैं, और एक ग्रुप होगा जिसकी चार होंगी, दूसरे होंगे जिनकी दो होंगी, वो एक ब्रांच के ऊपर दो वाले आ जाएंगे, एक के ऊपर चार वाले आ जाएंगे। अच्छा, अगर इस बेस पे किया जाए कि इनके प्रोजनी साइज क्या होता है, यानी जब ये ब्रीड करते हैं तो उनके बच्चे कितने होते हैं, तो वो एनिमल जो एक ब्रीडिंग में एक बच्चा देते हैं उनका ग्रुप अलग बनेगा, और जिनके बच्चे एक से ज्यादा होते हैं उनका ग्रुप अलग बनेगा। ये करैक्टर है जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर में आते हैं। अच्छा, शेप की बेस पे उनकी शक्ल कैसे है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, उनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं या स्किन जो है वो हेयरलेस होती है, या स्केल्स होते हैं जैसे मछलियों में होते हैं, या लेटरल लाइन उनकी है तो उसके ऊपर कितने स्केल्स होते हैं, ये सारे के सारे वो हैं। या डेंटिशन को ले लें कि इनके टीथ कितने होते हैं, अपर कितने हैं, लोअर कितने हैं, मोलर कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, इंसाइजर कितने हैं, केनाइन कितने हैं, ये सारे करैक्टर उसकी मार्फोलॉजी में आ जाते हैं और इसकी बेस पे बनाए जा सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। अच्छा, तीसरा है जीन। जीन का बेटे मतलब ये होता है, बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है अभी आपको समझना है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएंगी कि हम जो कुछ है ना वो हमें जीन्स ने ऐसे बनाया है, हमारा डीएनए उसके मुख्तलिफ जो पोर्शन होते हैं ना वो हमारे मुख्तलिफ करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी डीएनए का एक पोर्शन है जो हमारे कलर को कंट्रोल करता है, एक पोर्शन है जो हमारे आई कलर को करता है, एक पोर्शन ऑफ डीएनए है जो हमारे हाइट को कंट्रोल करता है, एक है जो हमारे लहजे को बताता है कैसा होगा, हमारा स्किन कलर कैसे होगा। तो वो एक पोर्शन जो हमारे एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम जीन ऑन डीएनए कहते हैं, जीन। तो हम उस जीन को लेके उसकी जो न्यूक्लियोटाइड जो जीन को बनाते हैं ना उसकी सीक्वेंस करते हैं, और उस सीक्वेंस की बेस पर हम जाहिर जितने क्लोजली रिलेटेड होंगे ना उनके दरमियान उतनी सिमिलैरिटी इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगी, तो लिहाजा हम उसको उससे फ़ायदा उठाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इसका किसकी सिमिलैरिटी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ डीएनए बहुत करीब होगा, लेकिन अगर वो दोनों इंसान भाई हैं तो और ज़्यादा करीब होगा। अच्छा, इसी तरह से मैं एक मिसाल देता हूँ, एक पंजाबी और पंजाबी जो आपस में करीब रहते हैं और बहुत इम्कान है कि उनका आपस में खानदानी रिश्ता होगा एक नस्ल दो नस्ल तीन नस्ल पीछे, तो उनका डीएनए सिमिलर होगा एज कम्पेयर टू ए पर्सन सपोज हु इज चाइनीज, उसके साथ वो बहुत डिफरेंट होंगे। तो चाइनीज का डीएनए चाइनीज के साथ ज़्यादा करीब होगा एज कम्पेयर टू एन अमेरिकन, एक अमेरिकन का डीएनए अमेरिकन से करीब होगा एज कम्पेयर टू ए ब्रिटिश सपोज। तो ये है डीएनए की सिमिलैरिटीज या जीन्स की सिमिलैरिटीज हमें हेल्प करती हैं फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में। और लास्ट वन है बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मसलन जो जिन एनिमल के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इतनी होती है उनका अलग ग्रुप बना लिए जाए, जिन के अंदर आरबीसीज की काउंट पर यूनिट वॉल्यूम इतनी होती है उनका अलग ग्रुप बना लिए जाए, ये सारे बायोकेमिकल करैक्टर हैं। तो इसकी बेस पर भी हम कोई ना कोई फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। तो ये वो सारा डाटा होता है। और होमोलॉजीज और एनालॉजीज के बारे में एक बात यहाँ करता चलूँ, हो सकता है आपने एफएससी के अंदर एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा होमोलोगस करैक्टर्स। तो मेरे बच्चे याद रखें कि हमारे डीएनए में या हमारी मॉर्फोलॉजी में वो करैक्टर जो कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से एक जैसे हैं उसको हम होमोलोगस करैक्टर कहते हैं, भले उनका फंक्शन मुख्तलिफ हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप बहुत सारे एनिमल्स को देखें यानी कि फोर लिम्ब्स जैसे हमारे बाजू हैं, और आप किसी जानवर का नाम ले लें मसलन जैसे डॉग है और कैट है उसका फोर लिम्ब, तो जो काम हमारा फोर लिम्ब करता है वो काम चीते का या बिल्ली का या कुत्ते का या शेर का जो फोर लिम्ब है वो काम वो नहीं करता है। लेकिन अगर आप इनकी बोन की फॉर्मेशन को देखें या एनाटॉमी को आप गौर से देखें यू विल फाइंड सिमिलैरिटीज। मसलन हमारी एक बोन है जिसको आप ह्यूमरस कहते हैं, फिर इसके बाद टीबिया है, फिगुला है, रेडियस है, अल्ना है, फ्लेंजेस हैं, मेटाफ्लेंजेस हैं, ये हमारे हाथों की जो हड्डियां हैं ये तकरीबन मिलती जुलती हैं उनके साथ जो डॉग के अंदर या कैट के अंदर होती हैं, लेकिन हमारा फंक्शन एक जैसा नहीं है।
और ये कॉमन इसलिए है कि हम सारे मैमल हैं और हमारे एंसेस्टर एक थे, यानी तमाम मैमल किसी एक एंसेस्टर से बने हैं, तो हमारे अबाव अजदाद एक थे। तो इस तरह की सिमिलैरिटी जिसका फंक्शन तो मुख्तलिफ हो लेकिन उनके अंदर एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी हो ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री, हम उन कैरेक्टर्स को कहते हैं दीज आर होमोलोगस कैरेक्टर। और ये खाली मार्फोलॉजिकल नहीं होते, जैसे मैंने बाजू की मिसाल दे दी या हड्डियों की मिसाल दे दी, बल्कि ये हमारे डीएनए के अंदर भी होगा। मैं आपको जैसे एक कॉमन मिसाल दे चुका हूँ कि अगर किसी के पेरेंट कॉमन हों तो उन दो आदमियों का डीएनए एक जैसा होगा एज कम्पेयर टू ए पर्सन जो उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो लिहाजा ये डीएनए की जो सिमिलैरिटी ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर है, हम इस सिमिलैरिटी को होमोलॉजी का नाम देते हैं। होमोलोगस कैरेक्टर है कि इनके अभाव इजाद एक जैसे की। तो ये बात होगी सॉर्टिंग होमोलॉजी फ्रॉम एनोलॉजी। अच्छा, एक एनिमल्स के अंदर एक करेक्टर होता है जिसको हम एनोलॉजी कहते हैं। होमोलॉजी जैसे मैंने बता दिया कि कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से अगर कोई सिमिलैरिटी पाई जाती हो स्ट्रक्चर के अंदर, जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर का फंक्शन भी एक जैसा ही हो, यानी जैसे हड्डियां तो मिलती हैं स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन फंक्शन मुख्तलिफ है। अब आते हैं एनोलॉजी की तरफ। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं मगर फंक्शन मुख्तलिफ, तो ये कहलाएगी होमोलॉजी। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो, मसलन ये कि स्ट्रक्चर एक जैसे हैं लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हैं लेकिन फंक्शन एक जैसा है, तो उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप परिंदों को देखें तो उनके विंग्स होते हैं जो उनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं, और इन्हीं परिंदों से मिलते जुलते हुए एक स्ट्रक्चर है विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। हालांकि इंसेक्ट्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं और वो उनसे बहुत दूर हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन अगर इनके इस करेक्टर को देखा जाए जो विंग्स हैं और वो उनको एक कॉमन फंक्शन देते हैं दैट इज फ्लाइट, तो कॉमन फंक्शन। बट अगर आप जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं उसको देखें और जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट हैं उसको देखें तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई कॉमन चीज नहीं होती है, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पे है लेकिन इनकी जो कि कॉमन रिक्वायरमेंट थी तो इस वजह से हम ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कहते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। और इसकी वजाहत मैं आपको करता चलूं कि ये कैसे बने। अगर जो कॉमन स्ट्रक्चर हैं उनको मुख्तलिफ माहौल दिया जाए और मुख्तलिफ माहौल की वजह से जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं या कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं वो मुख्तलिफ माहौल की वजह से उनके अंदर अडेप्टेशन आए और उनके फंक्शन मुख्तलिफ हो जाएं, तो हम इसको देखते हैं कि ये हुई है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी एक कॉमन से मुख्तलिफ बने, यानी ओरिजिन एक था एंसेस्टर एक था लेकिन इस एंसेस्टर के जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल थे दे वर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस और उसकी रिक्वायरमेंट के नतीजे में कॉमन से डिफरेंट बने। इस तरह की जो ग्रेजुअल चेंज आती है एनिमल्स के अंदर उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इसके मुकाबले में जो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स अगर उनके अंदर कोई कॉमन फीचर पैदा हो जाए जैसे विंग्स, तो हालांकि ये मुख्तलिफ थे और इनके दरमियान एक कॉमन फीचर पैदा हो गया जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स, तो हम इस प्रोसेस को कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी हैं, एक है होमोलॉजी एक एनोलॉजी। होमोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड एनोलॉजी इज रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आपको बता चुका हूँ कि व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दे डेवलप सम कॉमन कैरेक्टर ड्यू टू सिमिलर एनवायरनमेंट तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एनालॉगस कैरेक्टर्स, बट व्हेन सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड एज ए रिजल्ट दे डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू एडैप्टिव रेडिएशन, और सच कैरेक्टर्स जो एनाटॉमिकली कॉमन होती हैं लेकिन फंक्शनली मुख्तलिफ होते हैं उनको हम होमोलोगस कैरेक्टर्स का नाम देते हैं। और ये वो चीज़ है जिसको मैं बजाय कर चुका हूँ। ठीक हो गया जी।
ये मेरे बेटे आज की मेरी गुफ्तगु हो गई, तो कल भी थोड़ा टाइम था, बच्चे भी सवाल पूछ रहे होते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ वन बाई वन, तो आप सवाल पूछें। आज मेरी ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक मैं आपका मसला हल कर चुका हूँ। मतलब ये है कि ए वाले जो है ना, वो पहले 4 दिन 12:30 बजे अपनी क्लास लेंगे, जो मंडे को अब शुरू होगी इंशाल्लाह। और ए वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो फोर्थ क्लास है ना ए वालों की, वो कल 12:30 बजे होगी। लेकिन जो बी वाले हैं ना, वो अपनी चारों क्लासेस इसी शेड्यूल के मुताबिक रखें जो आपकी इसके अंदर लिखी हुई है, यानी 3 दिन होंगी 3 बजे पहले 3 दिन। लेकिन जो उनकी चौथी क्लास है, वो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चाहें तो बेशक फ्राइडे को 12:30 बजे कर लें, या इस तरह से कुछ करें, क्योंकि वो जो 6 बजे वाली क्लास है ना, दैट इज़ टू लेट फॉर मी। तो इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो है वो ऐड करें, आ जाएं, अपना सवाल करें। तो ये मैं चैट बॉक्स अभी खोलता हूँ, सॉरी पार्टिसिपेंट्स को, तो इसमें जो आदमी भी बात करना चाहता है वो कर दे। हाँ जी, ये किसने रेज किया है? आना आसिफ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अलाउ करता हूँ कि यू ओपन योर वॉइस। अब जो चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। तो ये जी, एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा पूछें। ये एक बार ना कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दोबारा बता दें। हाँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये मेरे बेटे डाइवर्जेंस का नाम है, आपको मैं कैसे समझाऊं? आपके हाथ की हथेली है, आप वीडियो मेरी नहीं देख सकते, आपने हाथ की हथेली है ना, तो जहां से आपका हाथ शुरू हो रहा है वो एक सिंगल पॉइंट है, और आपकी जो फिंगर्स है ना, वो रेडिएट कर रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं मुख्तलिफ समतल। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन, या इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, यानी कॉमन पॉइंट से आप मुख्तलिफ तरफ, यानी एक से कई बने मुख्तलिफ, इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। लेकिन जब ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ होते हैं ना, वो किसी वजह से हम कॉमन पॉइंट की तरफ आते हैं, उसको कॉन्वर्जेंस कहते हैं, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सोशल एग्जाम्पल जी प्लीज सुन लीजिए, सुनने की जरूरत नहीं है काका, खामोश रहे बस। सवाल ये है कि एक खानदान में जैसे पेरेंट्स हैं, 4 बच्चे हैं, और उन 4 बच्चों को हम मुख्तलिफ स्कूलों में जमा करवा देते हैं, दाखिल करवा देते हैं। अब जो स्कूल इंग्लिश में पढ़ाते हैं वो बच्चे इंग्लिश वाले बन जाएंगे, जिस बच्चे को उर्दू वाले पढ़ाते हैं वो उर्दू वाले बन जाएंगे, जिसको पंजाबी वाले पढ़ाते हैं वो पंजाबी वाले बन जाएंगे, जिसको सपोज चाइनीज वाले पढ़ाते हैं वो चाइनीज वाले बन जाएंगे। ये पेरेंट तो सेम थे, ओरिजिन सेम था, लेकिन मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ने इनको 4 मुख्तलिफ बना दिया। ये जो एक से कई बने हैं ना, ये है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन इसके मुकाबले में एक मिसाल देता हूँ कि यही चारों, जिन चारों की जबानें मुख्तलिफ हैं, ये सारे के सारे चले जाते हैं मसलन जर्मनी में, और जर्मनी के अंदर ये चारों जबानें नहीं बोली जाती हैं, वहां जरूरत पेश आती है कि इन चारों को जर्मनी सिखाई जाए, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाए। अब ये चारों जो मुख्तलिफ थे, ये एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज जर्मन लैंग्वेज, और जब ये सीख जाएंगे ना, तो अब इनके अंदर ये जो ग्रेजुअल चेंज आई है, दे केम फ्रॉम डिफरेंट कॉमन पॉइंट, तो हम इसको कहेंगे दे केम टू ए कन्वर्जेंट पॉइंट, इन सच काइंड ऑफ ग्रेजुअल चेंज इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जी, एनीबॉडी अदर? सर फाइलो कोड के बारे में बता दे दोबारा। फाइलो कोड मेरे बेटे, ये भी फाइलो कोड के बारे में स्किप हो गई है। हाँ, सिस्टमैटिक्स हैव प्रपोज्ड द फाइलो कोड व्हिच रिकॉग्नाइजेस ओनली ग्रुप्स दैट इंक्लूड ए कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स। फाइलो कोड का मतलब ये होता है, सर आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बता दें। आवाज आएगी जी। हर एक जो किसी फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर जितने टैक्सॉन होते हैं, ये टैक्सा होते हैं, टैक्सॉन सिंगल है, टैक्सा उसकी जमा है, तो हर एक के ऊपर एक कोड लगा दिया जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, या ए बी सी डी ई, या अल्फाबेट जैसे बाकी होते हैं अलिफ बे वगैरह। तो ये कोड बेसिकली
एक बन जाएगा, हर एक का वो रैंक को शो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही किसी आदमी के जो सोल्जियर होते हैं, अगर एक स्टार लगा हुआ है तो उसका ये मतलब है, टू स्टार लगे हैं तो उसका ये मतलब है, थ्री स्टार है तो ये मतलब है। तो टू स्टार देखने से ही पता चल जाता है कि ये आदमी सब इंस्पेक्टर है, थ्री स्टार देख के पता चल जाता है इंस्पेक्टर है, वहां लिखा नहीं होता कि इंस्पेक्टर है। इसी तरह के ये कोड जो है वो हर एक टैक्सा को अगर दे दिए जाए तो उससे ये पता चल जाएगा, जैसे ए है ना तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद बी होगा, और किसी का कोड अगर बी है तो फौरन पता चल जाएगा कि सी बी से बना है। प्रपोजल है और वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये फाइलो कोड वाली मैंने कहा है कि जो सिस्टमैटिक के लोग हैं उन्होंने प्रपोज किया है इस तरह से इनकी कोडिंग की जाए, और उस कोड को फाइलो कोड यानी फाइलोजेनेटिक ट्री के हिसाब से उनके कोड डिफाइन किए जाए। सर बेटा सर आप टाइमिंग का बता दें। सर होमोलॉजी और एनालॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। बेटा जैसे मैंने कहा है ना कि एक कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है और एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो एक खानदान के चार बच्चे थे ना, वो थे तो सिमिलर, उनका ओरिजिन तो सेम था, ठीक है, दे आर सिमिलर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैंने लैंग्वेज की मिसाल यहां दे दी। तो अब ये जो इनके दरमियान कॉमन करेक्टर है ना कि दे लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ सेम पेरेंट्स ड्यू टू कॉमन डिसेंट, सच करेक्टर विच इज सिमिलर बट इट हैज डिफरेंट फंक्शंस, तो सिमिलरिटी ड्यू टू कॉमन डिसेंट होगी या कॉमन एंसेस्ट्री होगी, तो हम इस सिमिलरिटी को होमोलॉजी कहते हैं, होमोलॉजी, लेकिन अंग्रेजी में इसको होमोलॉजी बोला जाता है, होमोलॉजी। अच्छा तो एनालॉगस स्ट्रक्चर भी दोबारा बता दें। एनालॉगस पे आ रहा हूँ। एनालॉगस अब वो मिसाल जेन में रहे आपके कि जी इन चारों को हमने चार मुख्तलिफ एनवायरमेंट दिए, तो स्ट्रक्चरली तो वो सेम रहे भाई, एक इंग्लिश स्कूल जाने से उसकी शक्ल तो चेंज नहीं होगी ना, या पंजाबी बोलने से उसकी शक्ल तो चेंज नहीं होगी, वो एक जैसी नजर आएंगे अगर वो भाई हैं तो। अब ये चारों भाई जिनकी जबानें मुख्तलिफ हैं, मैंने कहा जर्मनी में चले गए और वहां उनको जरूरत पेश आई कि दे ऑल नीड टू लर्न ए कॉमन लैंग्वेज। अब ये जो कॉमन करेक्टर है ना, जो गर्के हैं मुख्तलिफ ओरिजन के हिसाब से उनकी लैंग्वेज मुख्तलिफ है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो करेक्टर के जो इन तमाम के दरमियान फंक्शन के हिसाब से सेम है, लेकिन अगर उस करेक्टर को ओरिजन के हिसाब से देखा जाए तो वो ओरिजन में मुख्तलिफ है, तो इस करेक्टर को हम एनालॉगस बोलते हैं, एनालॉगस। और उसकी एनिमल्स के अंदर जो मैंने मिसालें दी हैं वो ऐसे ही हैं जैसे दो मुख्तलिफ टैक्सा, बहुत ही मुख्तलिफ, एक इंसेक्ट और दूसरे बर्ड्स, इनके दरमियान कोई सिमिलरिटी नहीं, ना इनकी शेप में सिमिलरिटी है, ना इनके फंक्शंस में, ना इनके इकोलॉजी में, ना इनके इकोसिस्टम में, लेकिन चूंकि दोनों के दरमियान एक कॉमन फंक्शन है या करेक्टर है, दैट इज विंग, और वो विंग्स स्ट्रक्चर के हिसाब से मुख्तलिफ हैं, फंक्शन के हिसाब से सेम हैं, यानी दोनों से फ्लाइट पैदा होती है, तो इस तरह के जो करेक्टर्स होते हैं वो एनालॉगस कहलाते हैं, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एनालॉजी। मुझे एक दफा कन्वर्जेंट के बारे में बता दें। बेटा ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैं पहले बता दूं। समझ नहीं आई। दोबारा सवाल नहीं करेंगे, जो मैंने पहले बता दिया है, मैं रिकॉर्डिंग आपको कल वाली भी भेज दूंगा और आज वाली भी अभी आपको भेज देता हूँ, आप इसको बेटा दोबारा सुनेंगे तो बाकियों को मौका दें ताकि वो सवाल पूछें, काफी ज्यादा स्टूडेंट थे। कल 12:30 होगी ए सेक्शन की, ओके सर, और जो बी वाले टाइमिंग क्या क्लासेस की? बेटा 12:30 ए वालों की मैंने बोला है, ए सेक्शन। सर जी ए वालों को इनके ग्रुप में बता दिया जाएगा। सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया, मैं नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया, लीव कर दें जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू।
जी बेटा क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है पूछें। जी सर, सर मैंने आपसे पूछना था, जो हमारा सारा कोर्स कंटेंट है, अस्सलाम वालेकुम, इन्हीं स्लाइड्स का होगा कि हमें एडिशनल नोट्स में लेने पड़ेंगे? ये जो चैप्टर मैंने दिया है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसकी तैयारी आप उसी चैप्टर से करें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। उसको स्टडी करें, क्लास जैसे होती है उसमें जैसे क्लास क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप पूछें, जो आपके क्वेश्चन होंगे एड्रेस किए जाएंगे, और इसी में से हम क्वेश्चन बना के, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों चाहे सब्जेक्टिव हों, वो बना के आपसे जो है वो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। तो इसके अलावा कोई भी मुश्किल है, और जहाँ तक हम पढ़ेंगे मिड तक, वहाँ तक आपका सिलेबस हो जाएगा। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो जो हमने आपको बना के भेजा था ना पहले, वो ठीक है, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही चले। तो हमारा तो था कि हम क्लासें क्लासरूम में लेंगे, लेकिन कोविड की वजह से हम मजबूर हो गए कि हम इसको इस पे लें ऑनलाइन क्लासें, इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है।